अनैतिक संबंध सुसाइड का कारण, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक अंदाजन 30-32 साल का लड़का मेरे पास में आया। उसको शादी होके करीब करीब 4 साल हुए, बच्चे नहीं है, और घर के बाजू में रहने वाले एक लड़की के साथ में, जो शादीशुदा है, उसके साथ में उसका प्यार हो गया। वो लेडी को, वो जो लड़की है, वो अंदाज यही उम्र की होंगी, 30-32 साल की। उसको 2 बच्चे हैं। उसका हस्बैंड जो है वो काफ़ी शराब पीता है। अब होता क्या है कि शराब पीने से, मतलब वो है पूरा अल्कोहल एडिक्ट, तो शराब पीने से और अल्कोहल एडिक्शन से उनके काम जीवन में, मतलब सेक्स लाइफ में कुछ हैम्परिंग हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम आया होगा, और उसका समाधान नहीं होता होगा। हुआ क्या कि बाजू में रहते हैं, गपशप लगाना, आना जाना चालू रहता था, तो धीरे धीरे उनका फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो गया दोनों, और दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में जब इन्वॉल्व हो गए तो वो बढ़ते 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 इतना हो गया कि दोनों के घर में भी मालूम हुआ कि इनकी रिलेशनशिप है करके। इतना आना जाना, इतना मतलब ये हो गया कि वो दोनों को धीरे धीरे मालूम पड़ा दोनों के घर में। अब दोनों घर में मालूम पड़ा तो ये बोलता है लड़का कि भाई मुझे अभी ये मेरे औरत को छोड़ के उसके साथ में शादी करना है। उसके 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है वो अल्कोहल एडिक्ट है, और वो बोलती है कि मैं मेरे बच्चों को छोड़ के अभी इसके साथ में शादी करने को तैयार हूँ। उसका हस्बैंड उसको छोड़ने को तैयार नहीं, इसकी औरत इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, घर वाले बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि दोनों भी फैमिलीज मतलब जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। फिर जब घर वालों ने उसको ये किया कि नहीं करना है, अभी ये चलेगा नहीं, ये शादी नहीं होगी, तू नहीं जा सकता है, जब ये फोर्सफुली बाहर निकलने की उसने कोशिश की एक दिन, तो उसको पकड़ लिया क्योंकि भागने की कोशिश में था वो। घर के लोग बोले नहीं जाने का, ये करने का नहीं, ये औरत तेरी घर में है। तो जब ये कर लिया तो वो वायलेंट हो गया और उसने ये छुरा लिया और अपने आप को उसने काटने की कोशिश किया, नस काटने की कोशिश किया, गला यहाँ लगा दिया उसने कि मेरे को उसके साथ में शादी करने की है। अभी उसने लोगों ने उसको पकड़ लिया तो और ज़्यादा वायलेंट होने लगा। बोले तो मुझे तो वही करना है, वही चाहिए करके। अच्छा, वो भी तैयार है लड़की, वो भी भागने को तैयार है, भागने को तैयार है, मगर अभी इन्होंने फिजिकली उसको रोक के रखा, और फिजिकली रोक के रख के फिर अभी यहाँ मेरे पास में लाया कि अभी इसको करना क्या है, ये तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैंने बोला भाई सोशली एक्सेप्टेबल नहीं, मगर दोनों को एक्सेप्टेबल है ना, उसका क्या करेगी, क्योंकि एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है, 2 फैमिलीज जो है वो उसमें मतलब उजाड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये जनरल बोल सकता हूँ। नहीं, बोले आप ये करो कि अभी ये जो सुसाइड की धमकी दे रहा है और बार बार सुसाइड के विचार कर रहा है, तो उसके लिए क्या इलाज करें। मतलब उसको जाने दिया तो सुसाइड नहीं करेगा, बोलता है मुझे जाने दो, वो लड़की साथ में गया तो सुसाइड नहीं करेगा। मगर बोले कि वो लड़की बोलती है कि मैं आऊँगी, मगर उसका हस्बैंड भी उसको छोड़ेगा नहीं, वो भी उसको मार डालेंगे, काट डालेंगे यदि वो गई तो। बोले तो पहले अल्कोहल ही गए, वो मार डालेंगे, काट डालेंगे, पता नहीं उसका खून कर डालेगा, तो ये होने वाला है नहीं, ये सब प्रॉब्लमेटिक है। ये जो इसकी जो औरत है, उसके घर के भी लोग जो है उनको सबको मालूम पड़ा, तो वो भी बोल रहे कि तू यदि गया वो लड़की के साथ में, हम तेरे को मार डालेंगे। मतलब ऐसा सब तरह से कॉम्प्लिकेशन ये केस में तैयार हो गया। दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी ऐसा बोलते हैं, दोनों मियाँ बीबी राजी है, मगर घर के लोग उनको फोर्सफुली डिटेन कर रहे हैं अभी, और जब फोर्सफुली डिटेन कर रहे हैं तो ये मारने की, खुदकुशी करने की धमकी दे रहा है, अटेम्प्ट भी कर लिया। अब इसमें ये बोले अभी साइकियाट्रिस्ट नहीं, चलो आप इसको काउंसिलिंग करो, उसको समझाओ, जो भी करना है करो। मैंने उसको जब वो सुसाइड की धमकी दे रहा है, अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो मैं उसको बोला भी इसको एडमिट करो। हमने हमारे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लिया, उसके मर्जी से हुआ एडमिट। उसने खुद ने बोला ठीक है मैं भर्ती होता हूँ, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही, बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फिर उसको एडमिट कर लिया, उसको मैंने एंटी डिप्रेशन सेडेटिव दिया, उसको 2 दिन उसको आराम करने दिया, पूरे 2 दिन आराम किया उसने, खाना पीना, आराम करना। मैं उसे कुछ बातचीत कर रहा था, समझ के ले रहा था कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो धीरे 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 उसको जब 5-6 सेशन मेरे उसके साथ में हो गए और काउंसिलिंग चालू रहा, तो उसने ये कबूल कर लिया कि ठीक है मुझे अभी यह समझ में आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ अलग ही कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ठीक नहीं है, मेरा प्यार है जो भी कुछ है, और अभी मुझे वो रोकना पड़ेगा। तो
जब वो मुझे बोला, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि बनावटीपन की, चलो यहाँ छुट्टी करना है इसलिए बनावटीपन भी कर सकता है। रिलेटिव्स बोले कि हमको छुट्टी कर दो, अभी अच्छा हो गया। मैं देखो भाई, छुट्टी करेंगे तभी भी इसके ऊपर आपको वॉच रखना पड़ेगा कि भाई ये कुछ आपने फिर से प्रिवेंट किया तो फिर और कुछ करेंगे क्या। शादी करने में और भाग के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सोशलिस्ट, समाज में एक्सेप्टेबल नहीं, मान्यता नहीं है ना कि ऐसा करेंगे, मगर वो जा सकते हैं लीगली, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर अभी प्रॉब्लम यह है कि इसको जो अभी डिप्रेशन के दौरे आ रहे, इसको जो सुसाइडल थ्रेट दे रहा है, रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, अभी इसका क्या करेंगे? फिजिकली इन्होंने रोक के रखा है, कितने दिन तक रोक के रखेंगे फिजिकली? तो बोले ठीक है, अभी मैं समझ में आ रहा है कि अभी मैं नहीं करूँगा, और मैं कुछ ना कुछ अभी सोचूंगा कि नहीं मेरा लाइफ में ये कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत इमोशनल हो गया था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, अभी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैं सोच सकता हूँ कि मैं जो कर रहा था गलत है करके। बोले ठीक है, अभी आप छुट्टी करो और आ जाओ काउंसिलिंग के लिए, आ जाओ काउंसिलिंग के लिए आया हो। और बाद में जब काउंसिलिंग के लिए आए तो मालूम पड़ा कि इसके पिताजी को भी डिप्रेशन था, इसका मतलब कुछ ना कुछ अनुवंशिकता डिप्रेशन की थी, उनका भी बिहेवियर इरेटिक था, उनको अल्कोहल एडिक्शन, वो थे अल्कोहल, उनको अल्कोहल एडिक्शन था। मतलब कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम रहने के बाद में क्या होता है कि वो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ जेनेटिक इफेक्ट इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है, और वो यदि आता है तो वो अलग रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो वो हमको दिखाई दिया, मैंने बोला भी पिताजी का भी इलाज करो, भी डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनका भी हमने इलाज चालू किया, इसको भी काउंसिलिंग के सेशन दिया। एक 5-6 दिन के बाद में, और मतलब छुट्टी होने के 5-6 दिन के बाद में भी जब वो आया तो बोले कि अभी मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, उसको एंटी डिप्रेशन से वो ठीक हो गया और अभी अच्छा जीवन जी रहा है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। और दोनों भी अभी, उन्होंने वो जो लेडी थी उसके हस्बैंड ने कहीं दूर में भी मकान ले लिया, दूर रहने को चले गए, और अभी वो मिलते भी नहीं, सेटल ना। तो ये ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो ऐसे भावना विवश होके, भावना बहुत ज़्यादा जोर कर लेती है, और क्या होता है कि जब भावना जोर कर लेती है तो विवेक बुद्धि जो है वो दब जाती है, भावना उसके ऊपर हावी हो जाती है, विवेक के ऊपर, फिर सारासार विचार करने की जो बुद्धि है वो बुद्धि दब जाती है, और भावना एक बार टेकोर कर लेती है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो मैं हरदम ये लोगों को ये बोलता हूँ कि जब जब आपकी भावना जब बहुत जोर कर रही है तो डिसीजन कुछ भी लेने का नहीं, भले 8 दिन 15 दिन जाने दो, ताकि इंटेलेक्चुअल जो है डिसीजन लेने का जो टाइम आ जाएगा, और वो टाइम कब है कि जब भावनाओं को आप बाजू में रखेंगे तब आप इंटेलेक्चुअली सोच सकते हैं। जब इंटेलेक्चुअल के ऊपर भावना हावी होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकता आदमी, भावना जो बोलती वही करना पड़ेगा। तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोग इसमें अवेयर हो जाएंगे। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत है। ये हमारे देश का हर व्यक्ति जो है मानसिक बीमारी बीमार जो है उसको हर एक का इलाज करना वो हमारा फर्ज है। तो यह वीडियो लोगों को शेयर करेंगे तो हमारे पार्टनर बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।